जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज मैं एक वीडियो वास्तु संबंधी आपके सामने लेके आया हूँ। जनरली क्या होता है कि जब भी हमारे जीवन में बर्थ चार्ट को हम देखते हैं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, या हम किसी भी अपनी राशि पर ग्रह का आगमन देखते हैं, वहां पर कहीं पर कोई भी समस्या नहीं चल रही है, लेकिन जीवन में लाभ नहीं हो रहे हैं। आज मैं चार ऐसी चीजें आपके घर के वास्तु के अनुसार बताने वाला हूं। यदि आपने ये सही कर लिया तो समझिए आपके जीवन में लाभ होते हुए दिखेंगे, और आपके जीवन में यदि बर्थ चार्ट पर कोई भी कमियां भी रह जाती हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन पर उसका कोई उतना प्रभाव नहीं होगा जितना पड़ना चाहिए। वास्तु जब किसी भी व्यक्ति के घर का अच्छा होता है तो आप समझिए आपका बैकअप बहुत अच्छा है। इसीलिए ग्रहों का जो प्रभाव होता है वास्तु स्पीशियस जितने लोग हैं उनके ऊपर बहुत कम देखा जाता है। क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो में मैं चार चीजों को आपको बताने वाला हूं। यदि ये चार चीजें अपने जीवन में सामंजस्य के रूप में आपने अपने घर में वास्तु सही कर लिया तो समझिए आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता, या धन की, परिवार की, समृद्धि की कभी भी जीवन में कोई भी कमी आपके नहीं रहेगी। कौन सी है वो चीज, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जाने अनजाने में आपसे वास्तु की क्या गलतियां हो रही हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम मित्रों बात कर रहे हैं एक वास्तु के ऐसे उपाय की, या एक वास्तु की ऐसी सावधानियों की, जिनको करने से या जिनकी सावधानी रखने से आपके जीवन में चली आ रही बहुत लंबे समय से समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि बर्थ चार्ट सही होने के बाद भी हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे और उनसे हमें कोई भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। क्या ध्यान रखना चाहिए और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूं, आपको यह समझना पड़ेगा कि जितने लोग मैंने संपन्न देखे हैं, या आप कह सकते हैं जिन जिन लोगों के घर में मैंने वास्तु किया है और वो हर तरीके से संपन्न पाए गए हैं, या छोटी मोटी कमियों को अगर छोड़ दें और वो हर तरीके से संपन्न है, वो संतान की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, परिवार और स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो उनके घर में जो कॉमन चीजें सबसे अच्छी पाई गई हैं या कराई गई हैं वो क्या हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है यहां पर पानी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूं, या तो नॉर्थ भी हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा भी हो सकता है। यहां पर यदि आपके घर में पानी की व्यवस्था है यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या आपका समरसेबल या पानी का सोर्स वहां से है तो आप समझिए आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि जो पानी है नॉर्थ साइड में यदि जल है तो जल तत्व कारक होता है धन का, सीधे सीधे कुबेर को रिप्रेजेंट करता है। अगली बात करें हम तो साउथ ईस्ट का कोना आ जाता है। साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे आपका रसोई घर होना चाहिए। यदि नहीं है तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं कि वहां पर आपका रसोई घर पहुंचे। यदि नहीं है तो वास्तु कंसल्ट से कंसल्ट करने के बाद उस साउथ ईस्ट का जो दोष है उसको निवारण करना चाहिए। यदि साउथ ईस्ट पर किचन है तो आप समझिए कि आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी, जिसको कहते हैं सेविंग्स। अग्नि तत्व यहां पर आ जाता है साउथ ईस्ट में। अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है आपके धन को, धन से मतलब बढ़ोतरी को, धन की बढ़ोतरी को रिप्रेजेंट करता है कि साउथ ईस्ट जितना स्ट्रांग होगा यानी कि दक्षिण पूर्व का कोना जितना स्ट्रांग होगा आपके घर में बरकत पैसे की उतनी ही ज्यादा होगी। अगली बात करते हैं, घर में जो मुखिया है उनका शयन कक्ष या तो दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम में होगा तो आप समझिए वो कभी रोग से ग्रस्त नहीं होगा, निरोगी रहेगा, मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं रहेगा, कोई भी काम उसके जीवन में अटकेंगे नहीं। यानी कि उनका जो बेडरूम होना चाहिए वो साउथ या साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में होना चाहिए। अगली बात करें चौथी, जो विशेष ध्यान रखने वाली है कि जितने लोगों के घर में मैं गया हूं वास्तु करने के लिए, यदि वहां पर पहले से व्हाइट कलर है या ऑफ व्हाइट कलर है तो दिक्कत नहीं है। यदि नहीं है तो मैंने कराया है व्हाइट या पूरे घर में ऑफ व्हाइट कलर होता है तो आप समझिए सीधे सीधे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और आपके घर में धन और खुशियों की, लग्जरी की कभी कमी नहीं रहती। तो ये वो चार चीजें मैंने आपको बताई कि जो संपन्न लोगों के घर में मैं वास्तु करने गया हूं या वो संपन्न नहीं थे और वास्तु करने के बाद केवल इन चार चीजों पर ध्यान दे दिया गया और उन्होंने ठीक कर लिया उसको, तो आज की डेट में वो बहुत अच्छे हैं। आपके घर में भी यदि इस तरीके की समस्या कोई चल रही है तो अपना वास्तु चेक करिए,
और आप एक बार इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए, आप देखेंगे आपके जीवन में खुशियां भर भर के आएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।